Ji, call out the next name, Shri Ram Kumar Verma Ji. Ji, but. Ji, but. Thank you. Maaniye, us sabhapati mahodaya. Thank you. Thank you, Shri Ram Kumar Verma Ji. Nothing is going on record, Verma Ji. माननीय उपसभापति महोदया, आपने मुझे केंद्र सरकार और वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट 2022-23 का प्रस्तुत किया, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं, उसके बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि बजट पर बहुत कुछ हमारे सत्ता पक्ष की तरफ से और इधर से भी बहुत सारी बातें हो गई हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा संक्षिप्त में, जो ये बजट 2022 और 23, और मैं ये कहूँ कि बजट 2014 के बाद में जो भी बजट आया, उसका उद्देश्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प और प्रतिबद्धता कि देश के माइक्रो लेवल से आर्थिक विकास हो, मैक्रो लेवल पर जाए और देश समृद्ध बने, अपनी परंपरागत जो अर्थव्यवस्था है उसको संचालित करे, लेकिन आधुनिकता के साथ में वैज्ञानिक तरीके से उनका यूज करते हुए हमारा एक न्यू इंडिया, नव भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का जो संकल्प है, उसको आज इस बजट के माध्यम से प्रतिबिंबित किया गया है। मैं बजट पर बोलने से पूर्व मैं महोदया आपसे एक डेढ़ मिनट के लिए जरूर बजट से पहले, क्योंकि इसलिए कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, बजट पर बोलूंगा, लेकिन मजबूर किया कि कल जो हमारे राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य था, धन्यवाद के रूप में उनका उद्बोधन था, आज भी आज चर्चा हुई और उसका कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मतलब बजट की बात को लेकर के उस पर चले गए, बजट में कहा कि कांग्रेस ये नहीं होती तो ये होता या कांग्रेस होती तो ये नहीं होता। लेकिन मैं दो ही बात कहना चाहूँगा, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक इधर हमारे विपक्ष में बहुत विद्वान साथी है, राजनीति का अनुभव है, कितना मिनट दिया मेरे को मैडम? 10 मिनट। विद्वान है और चूंकि सत्ता के अंदर 500 वर्ष का उनका अनुभव है, लेकिन एक हमारे सीनियर मोस्ट विपक्ष के साथी मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने उस राष्ट्रपति के अभिभाषण को देखा और कहा कि इसमें कुछ नहीं है, ये एक औपचारिकता के रूप में बस प्रकट कर दिया है, देश का नक्शा नहीं है और कुछ नहीं है। अगर मैं उनसे यही कहना चाहूंगा बड़े अनुरोध से, उसके 74 पॉइंट को अगर वो सरसरी निगाह से भी देखें और राष्ट्रपति के अभिभाषण में वो कोई भी बात एक असत्य ये साबित कर दे कि ये चीज गलत है, तो मैं सोचता हूं कि उनको ये कहना ठीक रहेगा। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे एक वरिष्ठ उसी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता ने तो इतना कह दिया कि राष्ट्रपति जी पर क्वेश्चन लगा दिया, ये अभिभाषण क्या है, ये राष्ट्रपति जी का सिर्फ उनको पेश करना था। मैं इस संबंध में आधी मिनट में यही कहना चाहूंगा, माननीय आप महोदया आपके माध्यम से सदन को, कि देश का राष्ट्रपति और देश का प्रधानमंत्री, ये नहीं है कि उन्हें कोई तैयार करके दे, उसके अनुसार से काम चले, ये परंपरा उनकी रही होगी और रही भी है, उसके रिजल्ट उनको भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी उस गरीब परिवार से लेकर के दक्षता के साथ, प्रतिभा के साथ में और अपनी क्षमता के आधार पर इस देश के राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री भी गरीबी के वातावरण को देखते हुए, पूरे देश की स्थिति क्या है उसको देखते हुए आज वो प्रधानमंत्री के रूप में है, तो मैं कह सकता हूं कि इनको संदेह नहीं होना चाहिए कि जो भी राष्ट्रपति का अभिभाषण और जो भी वित्त मंत्री महोदय के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसको गंभीरता से ले, ये देश के आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा बजट है, मैं इसका अभिनंदन करता हूं। और मैं कहूं कि जो बजट प्रस्तुत किया है, मेरे
सम्मानीय सांसदों साथियों ने बोला है, उनके लिए कहा कि महामारी नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 100 वर्ष के बाद में इतनी बड़ी महामारी आई हो। महामारी में अंदर देश एक होता है, और जब देश एक होता है तो निश्चित ही लड़ाई, चाहे वो महामारी की हो चाहे कि विदेशी आक्रमण व्यक्ति की हो, उसे मुकाबला के लिए एकजुट होता है। प्रधानमंत्री जी ने महामारी आने के बाद में आह्वान किया देश, मैं कहना चाहता हूं कितना बड़ा विश्वास था, आह्वान किया जनता में, कर्फ्यू घोषित किया गया बिना लॉ एंड ऑर्डर के, और जनता ने विश्वास प्रकट किया। लेकिन मेरे विपक्ष के लोगों को एक नाटक लगा, लॉकडाउन को और अन्य बातों को लेकर के चला, लेकिन उस महामारी के अंदर इस देश की जान को भी बचाया और जहान को भी बचाया। और इस बजट के अंदर जो कह रहे हैं कि इससे रोजगार नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं बजट के आंकड़ों के बारे में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि पूरा कर दिया, लेकिन इस महामारी को आज 170 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन होना और दुनिया में सबसे ज्यादा होना, और 150 देशों को हमने सहायता दी वैक्सीनेशन के साथ में और फार्मा के द्वारा, एक बहुत बड़ा ये कीर्तिमान और गर्व करने का विषय है। इस पर अगर वो धन्यवाद भी प्रकट करते तो अच्छा होता। मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री जी का ये सोच देखो, किसी मुख्यमंत्री ने 100 बातों में अगर 2 बातें भी अच्छी करी उनके लिए प्रशंसा की। यहां पर मेरे विपक्ष के सांसद महोदया ने बोला कि हमारे मुख्यमंत्री की प्रशंसा करी, हमने सहयोग दिया, ये मानते हैं। 135 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ के करीब है, उसने साथ दिया और जिन लोग, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या कहा जाता है उसको सहन करते हुए आज देश को इस महामारी से बचाने के बाद में देश की अर्थव्यवस्था को बचाया। और अभी जो बजट के अंदर जो अनुमान लगाया गया है कि हमारा जो आर्थिक वृद्धि दर 9.2 का अनुमान है, तो ये कम नहीं है। विश्व के अंदर जो आज मैं तो कहता हूं कि गर्व के साथ में विपक्ष वाले तुलना कर रहे थे, उन्होंने तुलना करी हमारी, अभी पूर्व वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि साहब ये खर्चे जो कम कर दिया गया, बजट का कम किया गया, अगर वो 14 से तुलना करते, 13-14 की तुलना करते तो मालूम पड़ता कि ये बजट कितना प्रोग्रेसिव है और अभी भी है। और मैं कहता हूं 9.2 का अनुमान विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक गति से होने वाला है। आज 14 क्षेत्र की कहते हैं कि साहब 60 लाख रोजगार देंगे, 60 लाख रोजगार पर्टिकुलर एक स्कीम के तहत PLI प्रोडक्शन इंसेंटिव के लिए जो हमने स्कीम जो लागू की गई है, लिंक्ड स्कीम जो लागू की है, इंसेंटिव दिया जाएगा और 14 सेक्टर को उसके अंदर हमने सेलेक्ट किए हैं। और ऐसे सेक्टर हैं जो जॉब भी क्रिएट करेंगे, टेक्नोलॉजी में उसमें इंक्लूजन होगा और हमारा कैपिटल का भी हिस्सा होगा, और उसके द्वारा जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इंपोर्ट के लिए भी हमारे लिए बढ़ोतरी, एक्सपोर्ट के लिए भी बढ़ोतरी होगी। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं कह सकता हूं कि 92 के आसपास जो स्थिति देश की हुई, सारे विद्वान लोग थे, इतनी बड़ी महामारी तो नहीं थी, लेकिन 1 बिलियन का रहना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या हालत, एक सप्ताह का भी भुगतान नहीं होना, गोल्ड भी हमको देखना रखना पड़ा, वो स्थिति नहीं होगी। और ये बहुत सॉलिड तरीके से इस तरह का चलेगा। PLI स्कीम से इतना ही नहीं, 60 लाख लोगों को रोजगार का अनुमान है, लेकिन एडिशनल 30 लाख रोजगार भी मिलेगा। अभी कहते हैं कि साहब रोजगार का तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं हुआ, उनको 2 करोड़ की बात आएगी, एक उनका चुनावी नारा है। तो माननीय महोदया, मैं कहता हूं चुनावी नारा, उन्होंने ये कहा कि मैं कहता हूं इधर की पाठशाला ऐसी हो गई है, जिस पार्टी का इतिहास इतना अच्छा था, आजादी की लड़ाई का श्रेय सब वो लेते हैं, लेने दो, उसमें हम सब शामिल थे, लेकिन उसकी पाठशाला में आज ये कि ऐसी झूठ को लेकर के देश में फैलाओ, लोग भ्रमित हों और भ्रमित होकर के, और भ्रमित होने के बाद में हम सत्ता में आए। प्रधानमंत्री जी ने अच्छी सलाह दी है, मैं ये स्वागत करता हूं कि इस बजट के अंदर 39.45 लाख करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है, 13% करीब उससे बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम 2021 की बात करें तो करीब
अभी तो दो तीन है, एक मिनट है, दो तीन मिनट दीजिए मैडम, दो तीन नहीं एक मिनट है लास्ट। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो हमारा फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट को हमने कंट्रोल किया, महंगाई की बात करना कि वो आपकी डबल डिजिट नहीं आएगी, और गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर डिजिटल के माध्यम से हमारी यूनिवर्सिटी और रिजर्व बैंक के द्वारा एक मिनट अभी खत्म करता हूं। मैंने आपको पहले ही तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से 47 करोड़ का जो लाभ मिला, लेकिन आप एजुकेशन में मिलेगा और गरीब और ग्रामीण के लिए मिलेगा, और फाइबर नेटवर्क के द्वारा उनको ये एक चैनल एक क्लास कक्षा के आधार पर 200 जो चैनल होंगे उसका भी लाभ मिलेगा, और गरीब को रोजगार मिलेगा, और वो समृद्धिशाली हो रहा है और रहेगा। आप कम से कम झूठ बोलना बंद करें, सच्चाई बताएं, अपना मंथन शुरू करें। धन्यवाद।